और तीसरी बात स्पीकर सर आई वांटेड टू सेक्ट्रेट द रिकॉर्ड्स जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उनका रिकॉर्ड उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले आप माइक दिए साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ स्पीकर सर ट्रांसमिशन लासेस जितना तरक्की किए वो सरकार में था वो अलायस पार्टनर है वो सरकार से अलग नहीं है बार बार यहीं से केसीआर साहब ने वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन वैसी साहब ने ये कहा टीआरएस और बी आर टी आर एस और एम आई एम का गठबंधन है हम लोग साथ में रहेंगे ये सरकार को मदद हम देंगे बल्कि वहीं से अकबरुद्दीन वैसी साहब ने कहा तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे वो और ए दस साल तेलंगाना में सरकार चलाया दस साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ आप जो बात हमारे सामने रखे हम जरूर ओपन माइंड से हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते वो शहर हमारे है चार सौ चार सौ पचास साल के शहर है वो शहर का शान बढ़ाना हमारे जिम्मेदारी है ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के नेता है ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है ये आम जनता हिंदूज पे उनको वोट डाले जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान से चुन के आए क्या ओल्ड सिटी में जितने भी सात एमएलए कर आए हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एम आई एम को यह बात कहना चाहता है ये बात तो ठीक नहीं अफसोस की बात है सब लोग आपको वोट देके आपको चुना चुना के इधर भी जाए आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे ये तेलंगाना चार करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए चार करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो नहीं 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 सर आपको आपको जब माइक स्पीकर सर दिन ओवेसी साहब को जब माइक मिलेगा ना तब उनके बात वो रख सकता है तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर